Hello friend, this is Riya and welcome to my channel. And today's video is about skin care related do's and don'ts. मतलब वो क्या छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जो हम कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता, फिर बाद में हम बताते हैं ओह हमारे स्किन में क्या हो गया. तो इस वीडियो में आज हम वही डिस्कस करेंगे. और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिसे आप फॉलो करके अपने स्किन को प्योर और हेल्दी बना सकते हैं. तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें. अब विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो मिस्टेक है वो हम फेस वॉश करते टाइम कर जाते हैं. बहुत से लोग क्या करते हैं, वो नाखूनों की मदद से फेस वॉश करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. इससे क्या है, स्किन को ही बेकार हो जाएगी. आपको क्या करना है, उंगलियों की मदद से आराम आराम से सर्कुलर शेप में आपको फेस वॉश करना है. ये सही तरीका है. अब जो दूसरी मिस्टेक आती है वो है जब हम टॉवल से अपना फेस साफ करते हैं. बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत ही रगड़ रगड़ के फेस साफ करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना है. हमें क्या करना है, टॉवल से टैप करते हुए अपने फेस को ऐसे साफ करना है. ये एकदम सही तरीका है, इससे जो हमारे फेस है उसमें कोई भी हार्म नहीं पड़ेगा. तो अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है जब हम अपने फेस में क्रीम अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा रगड़ रगड़ के क्रीम लगाते हैं. तो हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है. हमें क्या करना है, अपने फिंगर्स की मदद से आराम आराम से सर्कुलर शेप में क्रीम को अपने फेस में अप्लाई करना है. ये एकदम सही तरीका है. तो अब हमारी जो नेक्स्ट मिस्टेक आती है वो है पिंपल्स रिलेटेड. क्या होता है, हमारे फेस में पिंपल हो जाता है. कई बार हम क्या करते हैं तो उसको पिच कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने उस एरिया में जहाँ पे हमने पिच किया था कॉटन को 10 से 5 मिनट के लिए रख के हमें छोड़ देना. जब वो एरिया वहाँ पर सूख जाए हमें क्या करना है, जेल अप्लाई कर देना है और बस हो गया. जो अब नेक्स्ट मिस्टेक आती है वो मानसून सीजन में ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है. लोगों के फेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है और हम खुजला देते हैं. हमें बिल्कुल नहीं करना है. हमें क्या करना है, थोड़ा बेसन रखना है और कोकोनट ऑयल लेना है. उसको क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी लेनी है, उसमें डालना है और उसको थोड़ा सा फेस की फ्रेम में गुनगुना करना है और अपने फेस में उंगलियों की मदद से आराम आराम से सर्कुलर शेप में आपको अपने पूरे फेस में अप्लाई करना, थोड़ा सा रेस्ट करना है. या तो आप टीवी देख लें या फ़ोन चला लें या फिर आप थोड़ा नाच गाना कर लें बस. तो ये थी स्किन केयर से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी मिस्टेक जो हम कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता. और इन्हीं मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए अपनी हेल्दी स्किन, हेल्दी और प्योर से स्किन पाने के लिए. जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ स्किन केयर से रिलेटेड टिप्स बताऊँगी जिनको फॉलो करके आप एक अच्छी हेल्दी और प्योर स्किन पा सकते हैं. तो अब मैं आपके साथ वही टिप्स शेयर करने जा रही हूँ. तो आइए स्टार्ट करते हैं. थोड़ा फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. हमें दिन में कम से कम 7 से 8 ग्लास तो पानी पीना ही पीना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से क्या होगा, हमारी जो स्किन है वो हाइड्रेट रहेगी. और ज़्यादा पानी पीने से जो है दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमारी स्किन में ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आएगा. पसीना आने स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है. तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ. एंड द सेकंड वन इज़ कीप योर स्किन नीट एंड क्लीन. मतलब जब भी आप सोते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है फेस वॉश करके सोना चाहिए और जो आपकी स्किन है वो क्लियर रहेगी. क्लियर रहेगी तो क्या होगा, आपकी स्किन में कम ऑयल आएगा और आपकी स्किन में जो पिंपल्स हैं धीरे धीरे करके कम होनी स्टार्ट हो जाएगी. तो आप चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ. देखते हैं हमारी थर्ड स्टेप क्या है. तो हमारी नेक्स्ट स्टेप है कि हफ्ते में कम से कम 2 बार तो हमें स्क्रब करना ही करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर हम स्क्रब करेंगे जो हमारे फेस की जो भी डस्ट है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, हमें प्योर हेल्दी स्किन मिल जाएगी. एंड द लास्ट वन इज़ अगर आप पिंपल्स और एक्ने से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बाहर का जंक फूड और जो भी अचार वगैरह है और जो भी ऑयली चीज़ें वो सब आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है.
अवॉइड करनी है, आपको एक या दो महीने तक ये छोड़ के देखना है। अगर आपको फ़र्क महसूस हो रहा है तो ये चीज़ें आप बहुत ही कम खाएं, या तो मैं बोलूँगी इन चीज़ों से आप दूर ही रहें अगर आपको एक हेल्दी और प्योर स्किन चाहिए तो। तो यही थी मेरे कुछ छोटी छोटी टिप्स जिन्हें आप फॉलो करके एक हेल्दी और प्योर स्किन पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय।